हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 12th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द करंट आई शोन इन द सर्किट अबव यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। देखो ये सर्किट दिया है, ये सर्किट में ये करंट आई हमें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही रूल्स का यूज करेंगे जो हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। तो अगर आपने वो फर्स्ट लेक्चर नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहां से स्टडी कर लीजिएगा, उससे आपका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर अगर हमें करंट आई फाइंड आउट करना है तो ये करंट आई फाइंड आउट करने के लिए हम ओम्स लॉ का यूज करेंगे। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट आई फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है आई इक्वल्स टू वी बाय आर। तो ये जो करंट है ये 5 ओम रेजिस्टेंस में से फ्लो हो रहा है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना है वो हमें पहले पता करना पड़ेगा। एक बार हमें इसके अक्रॉस का वोल्टेज मिल गया तो उसका यूज करके हम आसानी से I इक्वल्स टू वी बाय आर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और ये करंट फाइंड आउट कर लेंगे। और इसके अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए अब हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, ये पूरे सर्किट को रिड्यूस करेंगे बाय यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। और एक बार ये रिड्यूस हो गया तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। एक बार हमें वोल्टेज मिल गया तो वो वोल्टेज और ये रेजिस्टेंस का यूज करके इसमें से फ्लो होने वाला करंट हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको रिड्यूस करना। तो जाहिर सी बात है ये सर्किट को रिड्यूस करना है तो हमें इसको स्टेप वाइज सॉल्व करना पड़ेगा, हमें इसको स्टेप वाइज रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ये देखिए ऑलरेडी हमने यहां पे कुछ स्टेप्स जो है इसके आने वाले स्टेप्स यहां ड्रॉ करके रखा है ताकि वीडियो जो है वो छोटा हो जाए और ये काफी लंबा ना हो और हमें ड्रॉ करने में आगे दिक्कत ना हो, इसलिए हमने ऑलरेडी ये ड्रॉ करके रखा है। चलो ये स्टेप्स के थ्रू इसको रिड्यूस करेंगे और यहां पर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स हम अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए यहां पर सर्किट में सबसे पहले देखते हैं कि ये जो गिवन सर्किट है ये गिवन सर्किट में क्या क्या दिया है। तो यहां गिवन सर्किट में आपको दिख रहा है यहां पे एक वोल्टेज सोर्स है और इसके ब्रांच में देखो ये वोल्टेज सोर्स के सीरीज में 5 ओम का रेजिस्टेंस है, जबकि यहां पे देखो करंट सोर्स है, करंट सोर्स के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का और हमें इसको रिड्यूस करना है बाय यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो करंट सोर्स और ये जो रेजिस्टेंस है ये करंट सोर्स को हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ये जो वोल्टेज सोर्स है वो एज इट इज रखो, ये 5 ओम वाला जो ब्रांच है वो भी एज इट इज रखो, ये भी ब्रांच एज इट इज रखो, बस ये जो करंट सोर्स और ये जो रेजिस्टेंस है ये करंट सोर्स को हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है तो इसके बाद का जो सर्किट है वो कुछ ऐसा बनेगा। देखो ये जो सर्किट आपको दिखाई दे रहा है वो सर्किट में हमने क्या किया है, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में यहां पर कन्वर्ट किया है। तो बाकी के जो एलिमेंट्स है वो हम एज इट इज यहां पर शो कर लेते हैं। देखो ये जो प्लस माइनस 10 होल्ड का वोल्टेज सोर्स है वो हम यहाँ पे एज इट इज शो करते हैं। ये 5 ओम का रेजिस्टेंस ये है ऊपर का 5 ओम का रेजिस्टेंस, ये राइट साइड का 5 ओम का रेजिस्टेंस वो यहाँ पे है वो हम शो करेंगे, और ये 5 ओम का रेजिस्टेंस बीच में वो हम शो करेंगे, और ये 5 ओम में से फ्लो होने वाला करंट। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको ये करंट फाइंड आउट करना है तो ये करंट फाइंड आउट करने के लिए ये जो बीच का 5 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो आखिरी तक आपको सॉल्व नहीं करना है, वो आखिरी तक ये 5 ओम का रेजिस्टेंस यही रहना चाहिए। अगर आपने 5 ओम का रेजिस्टेंस अगर बीच में कहीं सॉल्व कर लिए तो समझ लो जो भी आप सॉल्व कर रहे हैं वो रॉन्ग हो रहा है, इसका मतलब ये है। ठीक है, ये करंट आपको फाइंड आउट करना है तो ये 5 ओम का रेजिस्टेंस आपको लास्ट स्टेप तक आपको लेके चलना है। ठीक है, तो यहां पर हमने ये रेजिस्टेंस शो कर दिए। अब देखो अब हमने क्या कहा, ये करंट सोर्स को हमने वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट किया है, तो यहां पे करंट का वैल्यू क्या है, देखो ये करंट का वैल्यू है दैट इज 1 एम्पियर। ठीक है, ये करंट का डायरेक्शन है दैट इज लेफ्टवर्ड, और इसके पैरेलल में ये जो रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू है 10 ओम। इसका मतलब यहां पे देखो हम आपको यहां रफली कुछ कैलकुलेशन बताते हैं, रफ कैलकुलेशन I इक्वल्स टू 1 एम्पियर एंड R इक्वल्स टू कितना है 10 ओम। ठीक है, I R, ठीक है ये I का वैल्यू और ये R का वैल्यू। ठीक है, और अब हमें इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है, तो वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए वोल्टेज का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वोल्टेज का वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो यहां पे फार्मूला लगा ओम्स लॉ का, वी इक्वल्स टू फार्मूला होता है आई इंटू आर, यानी ये हो गया 1 × 10, तो ये हो गया 10 होल्ड। ठीक है, ये देखो हमने यहां पर वोल्टेज वी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया कितना 10 होल्ड। इसका मतलब जब हम इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो वोल्टेज सोर्स में वोल्टेज का वैल्यू क्या रहेगा 10 होल्ड का रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए ये हमने कन्वर्ट कर लिया है और यहां पे इसका प्लस इधर देंगे, लेफ्ट साइड में प्लस देंगे और राइट साइड में माइनस देंगे। वो क्यों, क्योंकि यहां पे देखो करंट का जो डायरेक्शन है वो लेफ्टवर्ड है। ठीक है, तो हमें यहां पे प्लस जो है वो लेफ्ट साइड में दे देना है क्योंकि ये कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन हमने शो किया है। ठीक है, प्लस टू माइनस जो फ्लो होता है, और ये हमने वोल्टेज सोर्स शो किया है, वोल्टेज सोर्स का वैल्यू कितना है दैट इज 10 होल्ड का वोल्टेज सोर्स, और इसके सीरीज में देखो वोल्टेज सोर्स के सीरीज में जो रेजिस्टेंस है ये वही है जो करंट सोर्स के पैरेलल में था, कितना 10 ओम।
तो ये हम यहां पे शो करेंगे 10 ओम का रेजिस्टेंस। ये देखिए फाइनली ये हमने सर्किट कंप्लीट कर लिया है। यहां पे आपको दिख रहा है कि ये करंट सोर्स को हमने वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लिया है। करंट सोर्स के पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है वो ठीक है वो वोल्टेज सोर्स के सीरीज में चला गया रूल के अकॉर्डिंग। तो ये हमने स्टेज यहां पे कंप्लीट कर लिया है, ये सेकंड स्टेज है। और अब इसके बाद देखते हैं सर्किट में आगे इसको कैसे रिड्यूस करेंगे। ये जो हमने कैलकुलेशन लिखा है ये यहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपने ये कैलकुलेशन नहीं लिखे तो भी चलेगा। इसको सर्किट टू सर्किट अगर आपने प्रॉपरली रिड्यूस किए तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कैलकुलेशन पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। ये आप एग्जाम में रफ में कहीं पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो देखो नेक्स्ट सर्किट में अब हमें यहां पे क्या करना है, जब हमें इसको रिड्यूस करना है तो जाहिर सी बात है अब यहां पे आप चेक कर सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस है देखो 10 ओम और 5 ओम ये दोनों सीरीज में आ गए। देखो ये दोनों सीरीज में है, तो अगर ये दोनों सीरीज में है तो जाहिर सी बात है उनका रेजिस्टेंस वैल्यू हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस का हमेशा एडिशन होता है। तो ये दोनों का एडिशन करो, बाकी जो रिमेनिंग सर्किट है वो एज इट इज रखो। तो ये देखो ये 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स हम यहां पर एज इट इज रखते हैं। नेक्स्ट सर्किट हमने यहां पर ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। देन ये 5 ओम का ऊपर का रेजिस्टेंस ये एज इट इज रखते हैं। ये बीच का 5 ओम का रेजिस्टेंस ये भी हम एज इट इज रखते हैं। और ये बीच का जो 5 ओम है उसमें से फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना है। तो ये करंट आए हम यहां पर शो कर लेंगे जो कि करंट का डायरेक्शन है, ठीक है। और अब जैसा हमने कहा था ये हमने हमें इसको सीरीज में ऐड करना है, तो 10 ओम और 5 ओम तो ये हो गया 15 ओम। तो ये देखिए ये हमने शो किए 15 ओम, और ये जो वोल्टेज सोर्स है वो हम यहां शो कर लेंगे प्लस माइनस ये 10 वोल्ट। ये देखिए यहां पे थोड़ा सा हमने चेंज किया है। क्या चेंज किया है देखो, ये जो वोल्टेज सोर्स जो था वो यहाँ हॉरिजॉन्टल ब्रांच में यहाँ पे ऊपर में था, हमने क्या किया ये वोल्टेज सोर्स को हमने ये वर्टिकल ब्रांच में यहाँ दे दिए, ठीक है। और ये जो रेजिस्टेंस है जो सीरीज में है इसको हमने यहाँ पे हमने यहाँ पे शो किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये वोल्टेज सोर्स इधर शो करो या रेजिस्टेंस इधर शो करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये हमने इसलिए शो किया है ताकि ये देखो यहाँ पे दिखने में जो है वो इक्विवेलेंट दिखे। देखो दोनों साइड में ये सेम दिख रहा है, आपको सिमेट्रिकल दिख रहा है तो सॉल्व करने में आसानी होती है, इसलिए हमने यहां पे शो किया है। तो फाइनली ये नेक्स्ट सर्किट आपके सामने है, हमने यहां तक रिड्यूस कर लिया है। चलो इसको और हम रिड्यूस करेंगे, और इसको क्या करेंगे तो यहां पे अगर रिड्यूस करना है तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को अब करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ये ब्रांच में वी और आर है। देखो ये वोल्टेज सोर्स और ये रेजिस्टेंस वी आर, यहां पे भी वी और आर है, तो अगर आप इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये वी आर का आई आर बन जाएगा, और यहां पे भी ये वी आर का आई आर बन जाएगा। एक बार वो आई आर बन गया, इट मीन्स एक बार अगर हमने उसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लिए तो आसानी से हम वहां करंट सोर्स को पैरेलल में यहां पे रूल अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। क्या रूल अप्लाई करेंगे चलो वो हम आपको बता देते हैं। तो ये देखिए इसके बाद का जो सर्किट है वो हमने यहां पे ड्रॉ किया है, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या कर रहे हैं, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये जो बीच का जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है वो हम पहले यहां शो कर लेंगे। ये देखो ये बीच का 5 ओम का रेजिस्टेंस एज इट इज, और उसमें से फ्लो होने वाला करंट ये हम यहां पर पहले एज इट इज शो कर लेते हैं। ये देखो ये हमने जैसा हमने कहा ये हमें लास्ट ब्रांच तक लेके चलना है, लास्ट स्टेप तक। तो ये देखिए हमने ये शो किया है, और अब देखिए हमें क्या करना है, इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो करंट सोर्स में अगर कन्वर्ट करना है तो करंट का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो करंट का वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करना है, देखो फिर से आपको रफ कैलकुलेशन बता देते हैं। तो यहाँ पे वी और आर का वैल्यू क्या है, वी का वैल्यू है दैट इज 10 वोल्ट, और आर का वैल्यू है यहाँ पे दैट इज 5। तो वी है दैट इज 10 और R है दैट इज 5। तो यहां पे करंट फाइंड आउट करना है, तो करंट फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला रहेगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इक्वल्स टू वी बाय आर। तो V बाय आर करेंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा 10 बाय 5। तो ये कितना रहेगा, ये 2 एम्पियर का करंट रहेगा। इसका मतलब जब हम इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो करंट सोर्स का वैल्यू क्या रहेगा, करंट का वैल्यू दैट इज 2 एम्पियर का रहेगा। तो ये देखिए इसके बाद का सर्किट ये है, और यहां पे देखो प्लस ऊपर है। अगर इसका प्लस ऊपर है तो इसमें करंट सोर्स में जो आप करंट का डायरेक्शन शो करेंगे ये आपको ऐसे अपवर्ड शो करना पड़ेगा। देखो प्लस ऊपर है इसलिए इसका करंट का डायरेक्शन ऊपर, दैट इज कन्वेंशनल करंट, ओके। और ये करंट सोर्स का करंट का वैल्यू क्या रहेगा, दैट इज 2 एम्पियर का। ये देखो ये हमने निकाले हैं, और ये करंट सोर्स के पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है ये वही रेजिस्टेंस रहेगा जो वोल्टेज सोर्स के सीरीज में था, वो क्या था 5 ओम। तो ये हम यहां 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो ये हमने 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिए, ठीक है। जो वोल्टेज सोर्स के सीरीज में था वही रेजिस्टेंस करंट सोर्स के पैरेलल में रहेगा। और अब आगे बढ़ेंगे, ये साइड में चलते हैं। यहां पे देखो V का वैल्यू 10 है और R का वैल्यू कितना है 15, ठीक है। तो अब V का वैल्यू 10 ओम है, सॉरी 10 वोल्ट है, ठीक है, राइट साइड के वोल्टेज सोर्स की बात कर रहे हैं, और R का वैल्यू कितना है 15 ओम है। तो जाहिर सी बात है यहां पे करंट I फाइंड आउट करना है, V बाय R करो, यानी 10 बाय 15
तो ये क्या होगा, ये 10/15 तो ये हो जाएगा, दैट इज 2/3 एम्पियर, ठीक है, ऐसा, ठीक है। आप चाहे तो इसको पॉइंट में लिख सकते हैं, दैट इज 10/15, ये 0.666 होता है, आपने इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में रखे तो भी चलेगा, 2/3 यानी 0.666 एम्पियर, ठीक है। 5 2 10 और 5 3 15, इस तरह से हमने 2/3 एम्पियर ऐसा लिखे हैं। तो ये करंट सोर्स में करंट का वैल्यू कितना है, दैट इज 2/3 एम्पियर, तो ये हम लिखेंगे 2/3 एम्पियर। और यहां पे करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, तो आपको प्लस माइनस चेक करना पड़ेगा। तो ये देखिए, जो वोल्टेज सोर्स में प्लस ऊपर है, तो जाहिर सी बात है करंट का डायरेक्शन यहां पे ऊपर रहेगा, तो ये हमने शो किया है। और ये करंट सोर्स के पैरेलल में वही रेजिस्टेंस रहेगा जो वोल्टेज सोर्स के सीरीज में था, कितना, 15 ओम। तो यहां पे आपको लिखना है 15 ओम का रेजिस्टेंस जो वोल्टेज सोर्स के सीरीज में था, वो हमने यहां करंट सोर्स के पैरेलल में लगा दिए, और ये सर्किट यहां पे कंप्लीट हो गया। जैसा हमने कहा था कि हमें ये वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है, तो ये VR को हमने ये IR में कन्वर्ट कर लिया है। ये एक ब्रांच था, ये एक ब्रांच के यहां पे दो ब्रांच बन गए, और यहां पे भी ये VR जो कि एक ही ब्रांच में था, वो यहां पे दो ब्रांच में IR में हमने कन्वर्ट कर लिए। ओके, तो फाइनली अब हम यहां पे करंट सोर्स को यहां पे सॉल्व करेंगे। जैसा हमने कहा था, एक बार आपने VR को IR में कन्वर्ट कर लिए, तो करंट सोर्सेस को अब आप पैरेलली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का रूल लगता है। तो चलो हम यहां पे रूल अप्लाई करेंगे। ये सर्किट आपके सामने है। अब यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको सब कुछ पैरेलल में दिखाई दे रहा है। देखो, ये करंट सोर्स के साथ पैरेलल में है, और यहां पे बीच में तीनों के तीनों रेजिस्टेंसेस देखो पैरेलल में है, 5 ओम 5 ओम 15 ओम, तीनों पैरेलल में है, तो हम इसको आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने बीच में कही थी कि आपको जो ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है, वो ब्रांच आपको लास्ट स्टेप तक एज इट इज रखना है, ये हमने आपको कहा था। इसका मतलब ये जो 5 ओम का जो ब्रांच है वो आपको एज इट इज रखना है, तो वो हमने हर स्टेप में रखा है। तो ये जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है वो हम यहां पर भी रखेंगे। ये देखिए, ये जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है वो हम यहां पर रखते हैं, ठीक है, और उसमें से फ्लो होने वाला करंट वो हम यहां पर शो करेंगे, ठीक है। उसको हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे, उसको हम लास्ट स्टेप तक लेके जाएंगे, जहां पे एक सर्किट एक लूप, जब तक एक सिंगल लूप तक नहीं आता तब तक हम उसको एज इट इज लेके चलते हैं। तो ये करंट आए हमें फाइंड आउट करना है, और अब हमने जैसा कहा, ये करंट सोर्स को करंट सोर्स के साथ पैरेलली सॉल्व करो, तो करंट सोर्स को करंट सोर्स के साथ अगर पैरेलली सॉल्व करना है तो रूल क्या है, रूल ये है कि अगर करंट सोर्सेस का डायरेक्शन अगर सेम है, करंट सोर्सेस में जो करंट का जो डायरेक्शन है वो अगर सेम है तो करंट की वैल्यूज का एडिशन होता है, और अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो करंट की वैल्यूज का सब्सट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो यहां पर देखो, करंट सोर्सेस में करंट का डायरेक्शन देखो, सबसे पहले देखो दोनों का डायरेक्शन सेम है, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों की वैल्यूज का यहां पे एडिशन होगा, ये कंफर्म है। तो जाहिर सी बात है, ये दोनों का एडिशन करने के बाद जो नेक्स्ट जो सर्किट है वो यहां पे बन रहा है, और यहां पे जो करंट सोर्स रहेगा उसमें करंट का डायरेक्शन भी वही रहेगा, देखो अपवर्ड, क्योंकि ये दोनों का डायरेक्शन अपवर्ड है, तो दोनों का सम करने के बाद जो रिजल्ट यहां पे बनेगा उसका डायरेक्शन भी यहां पे अपवर्ड रहेगा। और ये दोनों का यहां पे एडिशन क्या होगा, तो यहां पे 2 एम्पियर + 2/3 एम्पियर, थोड़ा सा रफ कैलकुलेशन बताएंगे, 2 + 2/3, आप यहां पे पॉइंट में लिख सकते हैं, जैसे हमने कहा था कि इसका आंसर 0.666 है, तो यहां पे दोनों का एडिशन हो जाएगा 2.666, ठीक है। लेकिन अगर आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में यहां पे लिखना है तो 2 + 2/3 इसका एडिशन होगा, दैट इज 6 + 2, ये हो जाएगा 8/3, ठीक है। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम यहां पे फ्रैक्शन के फॉर्म में ही कंटिन्यू करते हैं, 8/3 एम्पियर, या तो आप इसको डेसिमल फॉर्म में लिखो, दैट इज 2.666 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हमने करंट सोर्स को करंट सोर्स के साथ तो पैरेलली सॉल्व कर लिया है, लेकिन रेजिस्टेंस यहां पर हमने बीच वाला जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है वो हमने यहां पर साइड में ड्रॉ कर लिए, लेकिन ये 5 ओम और ये 15 ओम इनको हम अब पैरेलली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इनको आप आसानी से पैरेलली सॉल्व कर सकते हैं, तो इनको पैरेलली सॉल्व करने के लिए फार्मूला क्या यहां पे लगाएंगे, तो ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, तो फार्मूला ऐसा रहेगा, दैट इज R1 into R2 डिवाइडेड बाय R1 plus R2, ये फार्मूला हम यहां पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसका मतलब 5 into 15 डिवाइडेड बाय 5 plus 15, इसका मतलब हम यहां पे इसकी वैल्यूज अगर पुट कर लेंगे, देखो वैल्यूज पुट करके बताते हैं, 5 into 15 डिवाइडेड बाय 5 plus 15, ये जो कैलकुलेशन है ये हम पूरा आपको जो बता रहे हैं ये आपको एग्जाम में शो करने की जरूरत नहीं है, ये आपको रफली लिखना है, इसलिए वो हम आपको रफली बता रहे हैं। तो ये हम 5 into 15 डिवाइडेड बाय 5 plus 15 अगर करेंगे तो इसका आंसर आता है, दैट इज 3.75, या फिर बोलो 15/4, ठीक है। तो हम इसको अगर लिखेंगे, चलो 15/4 ऐसा लिखते हैं, 15/4 ओम, ठीक है। हमने इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में रखा है,
क्योंकि अगले स्टेप में हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिख लेंगे। 15/4 ओहम ऐसा रखो या तो 3.75 ऐसा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली हमने सर्किट को यहां तक रिड्यूस कर लिया है और अब हम यहां पे एक काम करेंगे। देखो क्वेश्चन में हमने जैसा कहा था कि 5 ओहम की ब्रांच को एज इट इज रखना है, तो ये हमने यहां तक एज इट इज तो रखा है, लेकिन अब इसके बाद के स्टेप में हमें वो सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन इसको थोड़ा सा इसको और रिड्यूस करो। अब इसको क्या कर सकते हैं, हमने यहां तक तो ला लिए हैं, यहां पे आपको दिख रहा है कि ये दोनों ब्रांचेस पैरेलल में हैं और ये सर्किट में सिर्फ यहां पे करंट सोर्स है। हम एक काम करते हैं, ये करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं दो लूप है, देखो ये एक लूप है और ये एक लूप है, दो लूप है यहां पे। अगर इसको सिंगल लूप में अगर कन्वर्ट कर सके तो और अच्छा हो जाएगा। तो सिंगल लूप में कन्वर्ट करने के लिए यहां पे ये करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लो। अगर ये करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो फिर यहां पे एक सिंगल लूप बनेगा और सिंगल लूप में फ्लो होने वाला करंट आय हमें मिल जाएगा और वही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। चलो यहां पे ये करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने नेक्स्ट स्टेज यहां पे ड्रॉ कर लिया है जिसमें हमें करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना था। तो ये जो 5 ओहम का जो रेजिस्टेंस है, ये 5 ओहम का रेजिस्टेंस हम यहां पे एज इट इज शो करेंगे जिसमें से फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो ये हम करंट यहां पे शो कर लेंगे जो हमें ये फाइंड आउट करना है और अब ये यहां पे लास्ट स्टेज रहेगा। और ये जो 15/4 ओहम वाला रेजिस्टेंस है, ये 15/4 ओहम वाला रेजिस्टेंस ये वोल्टेज सोर्स के यहां पे सीरीज में चले जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो करंट सोर्स और रेजिस्टेंस यहां पे पैरेलल में है, लेकिन वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने के बाद वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएगा। तो ये जो रेजिस्टेंस है वो हम यहां पे लगा देंगे, दैट इज 15/4 ओहम का रेजिस्टेंस। लेकिन ये वोल्टेज सोर्स का वैल्यू क्या होगा, तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना काफी आसान है। तो यहां पे करंट का वैल्यू है, करंट आई का वैल्यू दैट इज 8/3 एम्पियर, ठीक है, ये करंट का वैल्यू और रेजिस्टेंस का वैल्यू, आर रेजिस्टेंस है दैट इज 15/4 ओहम, ठीक है। तो यहां पे हमें वोल्टेज का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये आई है, ठीक है, और ये आर है। तो अगर आपको वी फाइंड आउट करना है तो ओम्स लॉ का फार्मूला अप्लाई करो, वी इक्वल्स टू फार्मूला होता है आई इंटू आर। इसका मतलब ये हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8/3, तो हम लिखेंगे 8/3 इंटू 15/4। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आएगा यहां पे 10, यहां पे हम लिखेंगे इसका आंसर दैट इज 10 वोल्ट, ठीक है, ये आंसर आएगा दैट इज 10 वोल्ट का यहां पे वोल्टेज सोर्स का वैल्यू आएगा, ये कंफर्म है। और ये जो हमने कैलकुलेशन लिखा है ये आपको एग्जाम में लिखना कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप सर्किट टू सर्किट रिड्यूस करेंगे तो भी चलता है। तो फाइनली हमने ये करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लिया है, तो वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज का वैल्यू कितना रहेगा, 10 वोल्ट रहेगा। तो ये हम यहां पर शो कर लेंगे, तो ये हम लिखेंगे 10 वोल्ट। और यहां पे अगर वोल्टेज सोर्स में प्लस माइनस शो करना है तो प्लस माइनस कहां शो करेंगे, तो करंट सोर्स में करंट का डायरेक्शन देखो क्या है, करंट का डायरेक्शन ऊपर है, तो यहां प्लस ऊपर रहेगा कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग और माइनस नीचे रहेगा। तो फाइनली हमने ये करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लिया है। और जैसा हमने कहा था कि यहां पर आपको दो लूप दिखाई दे रहे हैं, देखे ये लूप 1 और लूप 2, यहां पर दो लूप दिखाई दे रहे, हमें इसको सिंगल लूप में कन्वर्ट करना था। तो अब देखिए ये सिंगल लूप में कन्वर्ट हो चुका है और अब आसानी से ये लूप में से फ्लो होने वाला करंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप ये लूप में चेक करेंगे, ये सर्किट में चेक करेंगे, तो ये वोल्टेज सोर्स है और ये रेजिस्टेंस है। तो जाहिर सी बात है ये वोल्टेज सोर्स के वजह से जो भी करंट फ्लो होगा, ये वोल्टेज सोर्स के वजह से जो भी करंट फ्लो होगा वो इस तरह से, ये देखो ये डायरेक्शन में फ्लो होगा, देखो ऐसे डायरेक्शन में ये करंट फ्लो होगा और ये करंट जो है पूरे लूप में फ्लो होगा। इसका मतलब जो इसके वजह से करंट आई फ्लो होगा वो करंट आई 15/4 ओहम ये रेजिस्टेंस में से भी फ्लो होगा, 5 ओहम में से भी फ्लो होगा, ठीक है, पूरे सर्किट में ये एक ही करंट यहां पर फ्लो होगा, बस ये करंट आई हमें फाइंड आउट करना है। तो ये करंट आई फाइंड आउट करने के लिए अब हम यहां पर ओम्स लॉ का यूज करेंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे करंट आई इक्वल्स टू फार्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूला आई इक्वल्स टू वी बाय आर। सो करंट आई इक्वल्स टू यहां पे वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या है, तो ये सर्किट में रेजिस्टेंस है, देखो ये दोनों सीरीज में है, तो ये दोनों सीरीज में है तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो ये हम लिखेंगे 15/4 प्लस ऑफ 5, ठीक है, दोनों का रेजिस्टेंस ऐड करने के बाद जो भी रेजिस्टेंस होगा वो आर हो जाएगा, ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो। तो इसका आंसर आएगा दैट इज 8/7 एम्पियर, ठीक है, यहां पे हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिखेंगे, डेसिमल फॉर्म में भी लिखेंगे, 8/7 एम्पियर, या फिर आप इसको ऐसा बोलो अगर आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो करंट आई इक्वल्स टू ये हम लिखेंगे दैट इज 1.1428 एम्पियर, आप इसको कोई भी फॉर्म में लिखो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने करंट आई फाइंड आउट कर लिया है बाय यूजिंग ओम्स लॉ।
आई इक्वल्स टू वी बाय आर का फार्मूला अप्लाई किए हैं। अगर आपको यहाँ ओम्स लॉ का यूज नहीं करना है तो दूसरा तरीका यह है कि आप ये जो लास्ट लूप है इसमें केवीएल अप्लाई कर सकते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अगर आप इसमें केवीएल अप्लाई करेंगे तो केवीएल की जो इक्वेशन बनेंगी उसके थ्रू भी आप करंट निकाल सकते हैं, करंट इतना ही आएगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, तो फाइनली जो क्वेश्चन में करंट फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द करंट आई दैट इज फ्लोइंग थ्रू दिस 5 ओम रेजिस्टेंस, तो 5 ओम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट ये है, दैट इज 1.1428 एम्पियर, और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा, ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में भी सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 12। इसके पहले जो हमने इसके 11 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।